हेलो व्यूअर्स, आप सभी ने तो भारत के महान ग्रंथ महाभारत का नाम तो सुना ही होगा। तो आज हम महाभारत काल के एक शक्तिशाली योद्धा श्री अश्वत्थामा जी के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी देवी जी के पुत्र थे। महाभारत काल से पहले गुरु द्रोणा अनेक स्थानों के भ्रमण के लिए अपनी पत्नी संग निकले। जब वह हिमालय में ऋषिकेश नामक स्थान पर पहुंचे, वहां तमसा नदी के किनारे उन्होंने एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग देखी और वहां गुरु द्रोणा और माता कृपी जी ने शिव की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर माता कृपी जी ने कोख से एक सुंदर तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जन्म होते ही उनके गले से घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज आई, जिस कारण उस बालक का नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा जी के माथे पर एक अमूल्य मणि जड़ी थी, जिनसे उनको सभी बीमारियों, शस्त्रों, भूख प्यास से बचने की शक्ति मिलती थी। गुरु द्रोण्य और अश्वत्थामा दोनों ही महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़े। इस पिता पुत्र की जोड़ी ने पांडवों को बहुत क्षति पहुंचाई और युद्ध विजय की ओर बढ़ते रहे। इसे देखकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कूटनीति अपनाने की सलाह दी और इस कूटनीति के कारण ही गुरु द्रोण्य जी की हत्या द्रौपदी के भाई दुष्टदौना के हाथों हुई। युद्ध समाप्ति होने के बाद पिता की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया, दुष्टदौना की हत्या की और अन्य कई महान योद्धाओं को मृत्यु दी। इस बात से श्री कृष्ण जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए उनकी अमूल्य मणि निकाल ली और उन्हें ऐसे ही तड़पते रहने के लिए छोड़ दिया। अश्वत्थामा जी तो अमर थे, इसलिए आज भी हमें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और अपना इलाज करवाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो अश्वत्थामा जी आज भी जिंदा है, इस बात के सबूत हमें कई महान ग्रंथों में मिलते हैं, जिनमें से कुछ कहानी को जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। कहानी नंबर 1। कर्नाटका के एक गांव में नारायण संत जी रहते थे। वह संत जब अश्वत्थामा जी से मिले तो उन्होंने अश्वत्थामा जी को महाभारत के युद्ध के बारे में बताने के लिए कहा। अश्वत्थामा जी के पास हमेशा एक कपड़ा रहता था, जिसे वह गीला कर बार बार सुखाते रहते थे। तो अश्वत्थामा जी ने यह शर्त रखी, जब तक यह कपड़ा गीला रहेगा तो मैं उनको कहानी सुनाऊंगा, बाकी का कहानी मैं अगले दिन सुनाऊंगा। पहले दिन की कहानी के लिए उन्होंने कपड़े को गीला किया और कहानी सुनाने लगे। जब तक वह कहानी युधिष्ठिर जी की मौत तक पहुंची, तो वह रोने लगे और वह अगले दिन के लिए रुक गए। तो अगले दिन नारायण संत ने डर कर अपनी सारी कहानी अपनी पत्नी को सुना दी और अश्वत्थामा जी को इस बात का पता चला और वह वहाँ से चले गए। नारायण संत जी के द्वारा लिखी गई महाभारत को आज भी पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ युधिष्ठिर की मौत तक का ही जिक्र है, उसके आगे जिक्र नहीं है। तो इस बात का यह सबूत मिलता है कि अश्वत्थामा जी आज भी जिंदा है। मध्य प्रदेश के गांव में एक डॉक्टर रहते थे। देर रात डॉक्टर को अपना दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उस दरवाजे के बाहर एक 12 फुट लंबा आदमी खड़ा था और उन्होंने उस आदमी को अंदर आने के लिए कहा। जब वह रोशनी में उस आदमी की ओर देखा तो उस आदमी के माथे पर एक चोट लगी हुई थी और उस चोट से बहुत सारा खून बह रहा था। उस डॉक्टर ने उस आदमी को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और उन्हें मरहम पट्टी करने लगे। मरहम पट्टी करने के बाद भी उस व्यक्ति का खून बहना बंद नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने उन्हें मजाक से कहा, अरे भाई, तुम्हारी ये कैसी चोट है, इसका खून बहना तो बंद ही नहीं हो रहा, अगर कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो। यह डॉक्टर ने बात मजाक में की। थोड़ी देर बाद डॉक्टर दूसरी पट्टी लेने चले गए और उतनी देर में अश्वत्थामा, जो कि वह व्यक्ति के भेष में आए थे, वो गायब हो गए। तो डॉक्टर उन्हें देख ढूंढने लगे पर वह कहीं नहीं मिले। तो चकाने की बात थी यह थी कि डॉक्टर के घर के दरवाजे की कंडी अंदर से बंद थी, जिससे यह पता चलता है कि वह अश्वत्थामा ही थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 2 ही सबूत दे पाऊंगा। अगर आप ऐसी वीडियो ज़्यादा चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस टाइप से वीडियो चाहिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय हिंद।